इन दिनों जहाँ देखो स्टोन्स दिख रहे थे, यानी स्टोन पेंटिंग, और मुझे बहुत लालच आ रही थी, लेकिन मजबूरी है कि हमारे पास उतने स्टोन्स थे नहीं। ऑनलाइन देखा तो ब्राउन स्टोन मिल नहीं रहे थे, वो मोस्टली बालू वालू में मिलते हैं, लेकिन हमारे आसपास वैसी बालू थी नहीं। तो मैंने कुछ स्टोन्स तो अपने गमलों से खोजे और कई बार तो उन्हें दोनों साइड पेंट करके अपना मन बहला लिया। फिर सोचा क्यों ना अपने स्टोन्स खुद बनाए जाएं। तो मैंने कुछ स्टोन्स बनाए जिसे आप देख सकते हैं, मैंने परफेक्ट शेप एंड साइज के बनाए और अपने मन का पेंट भी किया। तो आइए देखते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। लेकिन इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए। थैंक यू। ये गोल मटोल पत्थर बने हैं वॉल पुट्टी से। जी हाँ, वॉल पुट्टी में उसके बराबर ही पानी और एक चम्मच कुकिंग ऑयल डाल के उसका गाढ़ा आटा तैयार कर लिया और कुछ न्यूज़पेपर्स को एकदम टाइटली क्रश करके, जैसे बचपन में हम बॉल बनाते थे ना, वैसे ही गोल गोल सी बॉल बना ली और उसे सेलो टेप से या फिर किसी भी पेपर टेप से आप अच्छे से टाइट करके बांध दीजिए। अगर टेप ना हो तो आप रस्सी या धागा भी यूज़ कर सकते हैं, और आपको जिस शेप में जिस साइज़ में चाहिए उससे थोड़े छोटे साइज़ में ये तैयार कर लीजिए और वॉल पुट्टी को हल्के हाथ से आटे की तरह फैला लीजिए और हल्के हाथ से उस पेपर की बॉल के ऊपर धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स में करके लगा दीजिए। लेकिन इसे छोटे छोटे सेक्शंस में करके कीजिए जिससे ये बहुत स्मूदली स्प्रेड होगा और कहीं पर मोटा और कहीं पतला नहीं होगा। और हल्के हाथ से जैसे कचौड़ियों को गोल करते हैं, वैसे ही इन पेपर की कचौड़ियों को गोल कर दिया और गोल करते हुए इसे स्मूथ करने के लिए इस पे मैंने पानी लगाया है। पानी से ये थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा। और इसी तरह एक के बाद एक मैंने बहुत सारी बॉल्स पे ये वॉल पुट्टी के डो की पतली पतली लेयर्स अप्लाई कर दी और इस तरह बहुत ही आराम से हमारी ये ढेर सारी बॉल्स तैयार हो गई। लेकिन इन स्टोन्स को अभी थोड़ी देर तक सूखने के लिए रख देंगे और ध्यान रखेंगे इसके ऊपर कोई भी प्रेशर ना आए, इसे बहुत हल्के हाथ से पकड़ेंगे जिससे ये कहीं दबे नहीं, क्योंकि अभी ये काफ़ी सॉफ्ट है। लेकिन धीरे धीरे ये हार्ड होने लगेगा। इसे 7-8 घंटे के लिए कहीं पर सूखने के लिए रख देंगे और 7-8 घंटों बाद हमारी ये बॉल्स तैयार हैं। जब ये सूख जाएंगे तो अगर ये स्मूथ ना हो तो इस पर रेगमाल पेपर से हल्का सा रब करके स्मूथ कर सकते हैं और उसके बाद इन बॉल्स पे अपनी मन की कोई भी ड्राइंग बना के उन्हें पेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ बॉल्स पे अलग अलग चीज़ें बनाई हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बटरफ्लाई बनाई है, बहुत ही आराम से किसी भी मार्कर पेन से या पेंसिल से इस पे लाइन खिंच जाती है और इस पे कलर्स भी बहुत स्मूथली अप्लाई होते हैं। देखिए कितने आराम से मैंने इस पे ये बटरफ्लाई बनाई। लेकिन मुझे ये वाइट स्टोन अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इस पर पेस्टल येलो कलर से स्टोन को पूरा पेंट कर दिया और थोड़ी डिटेलिंग कर दी बटरफ्लाई पे वाइट कलर से। और देखिए मेरी बटरफ्लाई कितनी सुंदर बन गई है। और अगले स्टोन पर मैंने बनाई ये फिश, इसे भी मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर लिया था और इसे मैंने मधुबनी शैली से पेंट किया है। लेकिन इस बार मैंने इस स्टोन को पूरा ग्रीन कलर कर दिया था पहले ही। और देखिए इस पर भी बहुत ही आराम से ये ब्रश चल रहा है और बहुत मज़े से हमारी प्यारी सी मछली बनकर तैयार है। इस तरह आप स्टोन को किसी भी शेप में बना सकते हैं। और जब इतने सारे स्टोन्स बनाए थे तो खाली मछली बनाकर मेरा जी कहाँ भरने वाला था। फिर मैंने इस पे मधुबनी आर्ट से एक छोटा सा मोर बनाया और इसे मैंने कलर किया पूरे प्राइमरी कलर्स से, रेड ग्रीन येलो ऐसे सारे प्राइमरी कलर्स लगाए और चटक रंगों से बनाई ये मोर मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और ऐसे ही अब एक एक करके मैं अपने सारे स्टोन्स पे कुछ ना कुछ बनाऊंगी। वैसे भी बिहार की मधुबनी आर्ट और मध्य प्रदेश की गोंड आर्ट ट्रेडिशनल आर्ट्स में मेरी फेवरेट है, क्योंकि इसमें मन चाहे रंग लगाकर आप मन चाही चीज़ें बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। और देखिए बातें करते करते मेरा मोर तैयार हो गया और इसके पास बनी हुई बहुत सारी पत्तियाँ भी। अब इस पे मैं अलग अलग कलर से थोड़ी डिटेलिंग कर दूंगी जिससे ये मेरा मोर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और बस
10 रुपए की वॉल पुट्टी में हमारे ये सारे स्टोन बन गए।